वेलकम फ्रेंड्स बाय राघव क्लासेस। फ्रेंड्स करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून की। मैं हूं आपका फ्रेंड्स लोकेश अग्रवाल। फ्रेंड्स कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके लिए दिन भर में जो भी घटनाएं होती हैं उनमें जो भी घटना की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की वो आपके लिए हम लेकर आएँ, जिससे आपका फ़ायदा हो। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप जा रहे हो तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून और डी 6 जून। तो आप अपना उत्तर गैस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। सही उत्तर है इसका ए 3 जून। ठीक है फ्रेंड्स, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जितने भी दिवस होते हैं हमारे, यह किसी ना किसी एग्ज़ाम में एक या दो नंबर के अवश्य आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो आपके चार उत्तर आप सामने दे रखें, ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो कितने इसमें से खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सही उत्तर है बी 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य सरकार को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम और डी मिजोरम। सही उत्तर आप सबको गैस करना है फ्रेंड्स। चलिए सही उत्तर है आपका सी असम। तो फ्रेंड्स असम के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो असम बेसिकली आप उसका नक्शा देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरह असम दिखाई देता है, इस तरह से इसकी बनावट है फ्रेंड्स। यहाँ कुछ शहरों के नाम आप देख रहे होंगे नक्शे पर। चलिए असम की राजधानी दिसपुर आप सब जानते होंगे फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री का नाम सर्वानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी। ये भी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ भी आती है, तो ये चीज़ भी हमें फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड्स, ये हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि हमें पूरे विश्व में
मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणीता की भूमिका निभानी है। यानी भारत को पूरे विश्व का मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर हमें ले जाना है। तो उसी के तहत केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू की हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए 4, B 5, सी 6 और D 3। तो इसमें से सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, तो सही उत्तर है D 3। तीन योजनाएं ऐसी केंद्र सरकार ने चालू की हैं फ्रेंड्स, इनमें 50,000 करोड़ की लागत से, कितनी लागत से, 50,000 करोड़ की लागत से तीन योजनाएं केंद्र सरकार ने हाल ही में मोबाइल फ़ोन को दुनिया का शीर्ष उत्पाद बनाने के लिए चालू की हैं फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, विश्व पाचन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए 29 मई, बी 30 मई, सी 28 मई और डी 31 मई। तो सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स अपना, सही उत्तर है ए 29 मई को, विश्व पाचन दिवस। जैसा कि आप सब जानते हैं दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए दिवस को भी हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्या जो भी होती हैं उसका समाधान करने के लिए एक पोर्टल का लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो उस पोर्टल का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, ए सुरक्षा, बी चैंपियन, सी कवच और डी यूथ। तो सही उत्तर आप सब गैस कर रहे होंगे, देखिए सही उत्तर है आप सबने गैस कर चुके होंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सही उत्तर है बी चैंपियन। चैंपियन नाम का पोर्टल हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान के में सहायता के लिए लॉन्च किया है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। नीचे आप फोटो भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो क्या नाम है इनका, ए अरविंद कुमार, बी विनोद राय, सी गायत्री कुमार, डी अनुपम खन्ना। तो जैसा कि आप सबने फोटो में देख ही लिया है फ्रेंड्स कि ये एक महिला हैं और महिलाओं के नाम भी यहाँ पर केवल एक ही दे रखे हैं, तो उसी से आप सबने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा अपना, तो सी गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है गायत्री कुमार। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख रहे होंगे फोटो भी, किस खिलाड़ी को, वो महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, तो
ऑप्शन है आपके ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी सैफ अली वर्मा और डी दीप्ति शर्मा। तो सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स, सही उत्तर चारों में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पे, आप सब ने गैस कर लिया होगा। कुछ सेकंड का टाइम मैं इसलिए आपको देता हूँ ताकि आप अपना गैस कर सकें। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स डी दीप्ति शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम में एक उभरती हुई सितारा हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी क्रिकेट ये खेलती हैं भारतीय महिला टीम के लिए। तो आप जब ज़्यादा फ़ोटो देख रहे होंगे तो जिससे हमारी मेमोरी और अच्छी रहती है फ्रेंड्स फ़ोटो से। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स। पहला है आदेश गुप्ता, दूसरा पवन गुप्ता, तीसरा अरुण दुबे और चौथा विपिन गुप्ता। सही उत्तर आपको गैस करना है फ्रेंड्स। तो आप सबने गैस कर लिया होगा सही उत्तर ए आदेश गुप्ता जी। इनको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बचपन से ही राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति जिनको हाल ही में, इनको किसकी जगह पर बनाया गया है फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इन्होंने जिनकी जगह ली है वो हैं मनोज तिवारी फ्रेंड्स, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि इन्होंने हाल ही में मनोज तिवारी की जगह ली है। काफ़ी दिल्ली में निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का चुनावों में हुआ था, जभी से वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कयास जोर लगा रही थी, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, ए अल्फान, बी निसर्ग, सी टाइफून और डी सुनामी। ये भी काफ़ी आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसने हाल ही में गुजरात एवं महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी उत्पाद और तबाही भी की है फ्रेंड्स। तो आपने अपना ऑप्शन गैस कर लिया होगा। तो चलिए सही उत्तर है बी निसर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। निसर्ग चक्रवाती तूफान की वजह से हाल ही में महाराष्ट्र एवं गुजरात में हाई अलर्ट किया गया है, काफ़ी तबाही वहाँ पर हुई है, लेकिन पहले से ही बचाव कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पहले से किए हुए थे, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में तबाही को बचाई भी जा सका है, होने वाली तबाही को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।